सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर मैं आप सबके लिए बीच में कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी मेजर अपडेट्स लेकर आ चुका हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं विलेजर ई स्पोर्ट्स की ओवरऑल स्टैंडिंग के साथ। तो नंबर वन पे है TSM विद 133 पॉइंट्स, नंबर टू पे है एनिग्मा गेमिंग जिनके हैं 130 पॉइंट्स, एंड नंबर थ्री पे है सेल्सियस फॉर द विन विद 108 पॉइंट्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रुथलेस ई स्पोर्ट्स की, तो वहाँ पर नंबर वन पे है ओवर ई स्पोर्ट्स जिनके हैं 120 पॉइंट्स, नंबर टू पे है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जिनके हैं 118 पॉइंट्स, एंड नंबर थ्री पे है टीम फॉर एवर जिनके भी हैं 118 पॉइंट्स। बाकी टीम्स की भी जो है वो स्टैंडिंग्स पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो बढ़ते हमारी पहली अपडेट की तरफ। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो एक एनजीओ थी उन्होंने गवर्नमेंट को अपील की थी कि वो BGMI को बैन कर दें क्योंकि वो रेप्लिका है पबजी मोबाइल की ही। तो गवर्नमेंट ने उनको रिस्पॉन्स करते हुए ये कहा कि जो पबजी मोबाइल है और BGMI है दोनों डिफरेंट गेम है, इसलिए हम उस गेम को बैन नहीं कर सकते। अगर मीम की भाषा में बोले तो उन्होंने कहा है कल आना अच्छे से नहा धोकर। पढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स वायरल हो रही हैं जिसमें कहा गया है कि जो सेल्सियस ई स्पोर्ट्स है वो हैक कर रही है। सबसे पहले वो आप क्लिप देखिए। क्लोज में नूब है, मैं माँ कसम बोल रहा था क्लोज में नूब है, मैं हक दिया था, क्लोज में नूब से बंद है। ए, सेल्सियस है क्या? हाँ हैकर है, हैकर है। पूछा सा क्या सोचा पर जो सेल्सियस ई स्पोर्ट्स हैं वो सही खेल गए और कल उन्होंने एक स्टोरी डाल के अनाउंसमेंट कर दी कि जो सेल्सियस फॉर द विन लाइनअप है वो अब पार्ट नहीं है सेल्सियस ई स्पोर्ट्स का और उनको किसी और टीम ने खरीद लिया है और जिसका पेपर वर्क था वो भी कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने उनको विश कर दिया गुड लक। भाई सही है यार। बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। तो आपको पता है कि जो गोडलैक की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है और जैसे वो पहले अग्रेसिव खेलते थे वैसा नहीं खेल रहे हैं। तो कल जोनाथन ने इसी के बारे में अपनी स्ट्रीम पे बात की और उन्होंने ये भी बताया कि वो जो MVP की लिस्ट में वो क्यों नहीं दिख रहे। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अटैकिंग इज बेटर देन डिफेंडिंग जॉनी, प्लीज ब्रिंग ओल्ड स्टाइल एंड स्क्वाड। भाई सब करना पड़ता है, ऐसा ही नहीं है कि हर बार अटैकिंग होता है। तो हम सीख रहे कुछ नई चीज़ें कि होल्ड कैसे किया जाए, पोजिशन पॉइंट्स कैसे लिया जाए। तो अभी वो सब पे भी वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यू नो हर बार मतलब मार तो मतलब फाइट्स तो अभी ऐसा है, बट हम ट्राई कर रहे कि लाइक पोजीशन वगैरह अच्छे खासे पोजीशन में रहे, पोजीशन पॉइंट्स ले। क्योंकि आपने नोटिस किया रहेगा कि हमारा पोजीशन पॉइंट्स बहुत कम रहते हैं कंपेयर टू ये क्या बोलते हैं किल्स, किल पॉइंट। तो सब के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, कुछ नई नई टैक्टिक्स। और ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है, देखा जाए तो एक चिकन वापस आ गया। सॉरी ब्रो, कितने मारे हो आप? जस्ट वेट, आई गेस मैंने 19 हो चुके मेरा मे बी। हाँ जस्ट 4-5 मेन जीतना है यार, मेन जीतना है आपको ही पता है। हमारी अगली अपडेट की तरफ। तो ऐसे लीक्स निकल के आ रही है जो अलादीन है वो गोडल की अकेडमिकल लाइनअप है जो ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी जहां पर उन्होंने टाइटल लिखा था गोडल न्यू प्लेयर। और ऐसे लग भी रहा है कि जो अब गोडल आ गया है वो 11 प्लेयर की एक क्रिकेट टीम बना के ही मानेगी। बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। तो कल मार्कोस गेमिंग ने एक अपडेट दिया जहां पर उन्होंने इंस्टा पे लिखा था फर्स्ट वन इज कमिंग, यानी कि हमें इनकी तरफ से कोई मेजर अनाउंसमेंट या फिर कोई नवा प्लेयर ज्वाइन होते हुए दिख सकता है। बाकी मेरे पास एक लीक है कि हाइड्रा में दो मेंबर ने ज्वाइन कर लिया है, बट जैसे ये मुझे थोड़ा और कन्फर्म हो जाएगा तो मैं आपको कल की वीडियो में अपडेट कर दूंगा। बाकी इसी तरह बीच में कम्युनिटी से अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय। ये जगह है अपनी पर अपना मिले ना कोई, मैं रातों में जागा पर सपना दिखे ना कोई, धुंधली राहें।